भाईजान के साथ फेविकॉल पर थिरकने के बाद मुन्ना बदनाम हुआ से क्यों हो गई थी करीना को प्रॉब्लम? क्या सलमान के करीना वरीना वाले जोक ने दे दी थी मैडम बेबो को टेंशन? क्या पूरा गाना सलमान पर बेस्ड होना बना था करीना बेगम का सॉन्ग में डांस ना करने का रीजन? अटेंशन अटेंशन अटेंशन, मिस जिन चेक किस खबर पर हो खास अटेंशन। गॉसिप क्वीन सुनाने जा रही है तैमूर की हॉट मॉम के दबंग थ्री में ना काम करने के पीछे की सीक्रेट दास्तान। एज यू नो, पहली बार खुद सलमान खान ने उठा लिया है बदनाम होने का जिम्मा। दबंग थ्री के आइटम सॉन्ग के लिए चुलबुल पांडे बन गए हैं मुन्ना। दबंग फ्रेंचाइजी के फर्स्ट पार्ट में मुन्नी बदनाम हुई थी और बदनाम मुन्नी की जमकर तारीफें भी हुई थी, जिसके बाद दबंग टू में बेबो मैडम भी फेविकोल गाने पर थिरकती नजर आई थी। पांडे जी के साथ तैमूर की मॉम की अदाए भी सभी को भाई थी। लेकिन 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 क्या आपको पता है कि वरीना से पहले ये आइटम नंबर करीना को हुआ था ऑफर, लेकिन सैफ उमिया की बेगम ने इस गाने को मार दी थी ठोकर। अकॉर्डिंग टू मिजियन चेक, जब मुन्ना बदनाम हुआ गाने पर किया जा रहा था सोच विचार, तब सलमान को मुन्ना बनाकर की जा रही थी गाने के लिए हीरोइन की तलाश। गॉसिप क्वीन के तेज तरार सोर्सेस की माने तो जब भाईजान डायरेक्टर प्रभु देवा और अपने भाई के साथ सॉन्ग पर डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पांडे जी के एक मजाक को प्रभु सीरियसली ले बैठे थे। एक्चुअली फिल्म मेकर ने गाने के लिए हीरोइन के नाम का सलमान से मांगा था सजेशन, तब चुलबुल पांडे ने दिया था करीना करीना को ले आओ वाला स्टेटमेंट। सलमान की बात मानते हुए पहले ये गाना करीना को ऑफर किया गया, लेकिन बेबो मैडम ने गाने के बारे में सुनने के बाद इसे करने से मना कर दिया। वेल, एक वक्त था जब करीना अरबाज के साथ कर रही थी लगातार मुलाकात, जिसके बाद यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि दबंग थ्री में मिल सकता है तैमूर की मम्मा को काम। लेकिन लगता है पूरा गाना सलमान के इर्द गिर्द घुमाना बेबो को नहीं आया रास, क्योंकि इस गाने में बदनाम मुन्ना ही था आइटम नंबर की जान। बस फिर क्या था, करीना की ना के बाद वरीना के पास आइटम नंबर का ऑफर भिजवाया गया और मिस हुसैन ने बिना सोचे समझे सलमान के साथ थिरकने का मौका अपने हाथों से जाने नहीं दिया। वैसे देखा जाए तो हर फिल्म के साथ सलमान की हीरोइन की उम्र कम होती जा रही है। 20 की वरीना के साथ थिरकने के बाद 21 की साई के साथ पांडे जी ने जोड़ी जमाई है। वेल, सलमान का करीना वरीना वाला मजाक सच में काम कर गया। भाईजान ने बदनाम होकर भी नाम कमा लिया।